मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम अ डॉक्टर, बट या फ्यू डेज इन अ वीक और फ्यू डेज इन अ मंथ नाउ आई टेक ऑफ फॉर माई मॉडलिंग. I have seen that the life as a model has a very short shelf span. बहुत छोटा करियर रहता है, अनसर्टेन रहता है. सो आज भी मैं देखता हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मॉडल्स टू हैव ए गुड एजुकेशन बैकग्राउंड. सो मेरे को हमेशा ध्यान था कि मेरे को मॉडलिंग करनी है, पर मेरा एजुकेशन पहले बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए. सो दैट्स वाई आई स्टडीड मेडिसिन फर्स्ट. मेरी हाइट अच्छी है, आई लुक डिसेंट. आई वॉन्टेड टू डू मॉडलिंग विद द मेडिसिन, पर इसी के लिए मैंने बॉम्बे में आई वॉज डूइंग माई पी जी, पर बॉम्बे की पी जी इतनी टफ थी कि मेरे को टाइम नहीं मिला मॉडलिंग करने का. आई टुक ए ब्रेक फॉर अबाउट सिक्स मंथ्स. आई डिडंट जॉइन, मैंने कोई जॉब ज्वाइन नहीं की, एंड आई वॉज टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स द मॉडलिंग. विदाउट डिग्री आपको जॉब नहीं मिलती, सो विदाउट पोर्टफोलियो, गुड पोर्टफोलियो, यू विल नेवर गेट एनीथिंग. वॉज क्वाइट हैवी ड्यूरिंग माई पी जी टाइम, क्योंकि एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता था. देन पहले मैंने अपना वेट कम किया, आई गॉट इन द शेप, देन आई गॉट माई पोर्टफोलियो डन. जब मुझे लगा कि हाँ अब मॉडलिंग काफ़ी स्टेबल हो गई है, देन आई अगेन स्टार्टेड हैविंग जॉब. मेरी आर्थ्रोस्कोपी करने का मन था, स्पोर्ट्स मेडिसिन आया, मैंने स्पोर्ट्स सर्जन. तो बचपन से ही मैं देखता आ रहा था कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन का एक बार अगर ऑपरेशन हो गया या उनकी इंजरी हो गई तो वापस गेट बैक इनटू स्पोर्ट्स नहीं जा पा रहे थे इंडिया में. पर मैं बाहर की स्टोरीज देख रहा था तो बाहर के प्लेयर्स जा पा रहे थे. वी वॉन्ट टू गिव द बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड मेनली द स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट एवरीवेयर इन इंडिया. आई हैव लर्न माई डिजिटल मार्केटिंग, उन्हें पढ़ी है बैठ के एक साल तक. सो मेरे को कभी नहीं लगा कि मेरे को ये छोड़ के कुछ और करना चाहिए. सो मॉडलिंग आई कैन डू एज ए पार्ट टाइम, एक्टिंग आई कांट. सो एक्टिंग के जितने भी प्रपोजल आते हैं मैं उनको मना कर देता हूँ.